नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी होंगे। अब मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल में। तो आज कुछ भी नहीं लाई हूं, आज कलेक्शन लाई हूं, साड़ी का कलेक्शन लाई हूं, जो दो साड़ी मैंने खरीदी हूं और ख़रीद कर लाई हूं, क्योंकि मुझे ज़रूरी था दो साड़ी का, क्योंकि मैं नवरात्रा करने वाली हूँ। तो नवरात्रा में ना शुद्ध साड़ियाँ रहती है, न्यू साड़ियाँ रहती है, जिससे कि हम नवरात्रा करते हैं और उसी से पूजा पाठ वगैरह होता है। पुराने कपड़े पहनकर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसलिए दो साड़ियाँ मैंने लाई हूँ खरीद कर, जो आपसे दिखाना चाहती हूँ। वो क्या ना कि जब हम YouTube से जुड़ जाते हैं ना, तो हर चीज़ शेयर करना होता है अपने फ्रेंड्स लोग को, क्यों ना अपना परिवार हो जाते हैं यूट्यूब फैमिली सभी, तो उन्हें भी दिखाना ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने मम्मी को या फिर पूरे परिवार को कोई चीज़ दिखाते हैं कि हाँ मैंने आज ये ली है, ली हूँ, तो उसी तरह यूट्यूब वाले यूट्यूब फैमिली में जो मेरे अपने हैं, तो उन्हें भी दिखाना हमारा फ़र्ज है और हमारा फ़र्ज भी है, क्योंकि फ्रेंड्स लोग को देखना भी है ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने दो साड़ियाँ खरीदी हूँ, मैं अपने पसंद से खरीदी और रेगुलर मैं यूज़ करने के लिए ये साड़ी खरीदी हूँ भी, क्योंकि ऐसे साड़ियाँ मैं पहनती हूँ जो कि शरीर में हल्का लगे। और ये साड़ी ना, ये साड़ी तो हल्का है, लेकिन ये दूसरा साड़ी लगता है ना कि ये देखिए इस तरह से मुड़ जाता है ये सारी साड़ियाँ। तो चलिए इसको हटाते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दो साड़ियाँ ली हूँ मैं, तो आपको दिखाती हूँ। एक ये साड़ी है, तो मैं सिंपल सा ही खरीदती हूँ, जहाँ मुझे सिंपल सा साड़ी बहुत अच्छा पसंद है, जो कि मेरे शरीर में मैं कंफर्टेबल महसूस कर सकूँ साड़ी में, क्योंकि जानते हैं साड़ियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुलायम जो साड़ियाँ होती हैं, जो शरीर पर भी अच्छी लगती है और पहनने में भी मन लगता है। और ये देखिए, ये साड़ी मैं खरीदी हूँ, एक ये साड़ी है, आपको अच्छे से दिखा देते हैं। और जा रही हूँ इसे ना धोना है मुझे, क्योंकि इसे पहनने से पहले जब भी बाज़ार से कोई सामान लाएं, जो भी हो, कपड़ा हो या फिर कोई चीज़, अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बल्कि ये नवरात्रा शुरू होने वाली है, तो नवरात्रा में ना कोई भी बाहर का सामान जो खरीदे वो अच्छे से धोना ही चाहिए। और मैं हमेशा साड़ियों को ना पहले धो लेती हूँ, इसके बाद ही यूज़ किया जाता है। वैसे महंगे साड़ियाँ पहले धोया नहीं जाता है, लेकिन ये जो साड़ियाँ नवरात्र के लिए खास मैंने ली हूँ, इसलिए इसे अच्छे से मैं धोऊंगी और धो कर ही इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि जैसे तैसे हाथ से छुआ रहता, सभी छूते हैं। और इसलिए ये देखिए, हल्की है, इसीलिए मैंने ली हूँ ये साड़ियाँ। एक ये हो गया जो बहुत ही मुलायम लगा मुझे अच्छा लगा, ले ली मैं। और एक साड़ी और है, इसी में का एक ब्लाउज का पीस ये है, तो इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉर्डर दिया हुआ है, बस साधारण सा है। और एक और आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ, पंखा बंद कर दी ना, तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। और ये आपको दिखाती हूँ, ये है, ये देखिए, इसका आंचल ये देखिए, नीचे में पूरा में ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है, इस तरह से सब में दिया होगा, पूरा में दिया हुआ है, देखने में अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है देखने में। ये देखिए,
सभी में है आंचल और ये भी बहुत मुलायम साड़ी है, पूरा अच्छी लगे, मुलायम है, पूरा मुलायम है और ऐसी साड़ियाँ मुझे पसंद पड़ी हैं, पड़ती है मुझे ऐसे ही साड़ियाँ पसंद पड़ती हैं, मुलायम मुलायम हो कि पहनने में मुझे अच्छे लगे, अच्छे लगेगा मुझे काम करने में बने, क्योंकि मोटी साड़ियाँ पहन कर ना काम करने में बनता तो है नहीं, और हल्की साड़ियाँ पहन कर काम करने में मस्त से काम करती हूँ मैं। और वैसे मैं देखते होंगे मेरे वीडियो में ना ही सूट पहनती हूँ ना ही कुछ और पहनती हूँ, मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ। पहले शादी के पहले तो मैं सूट वगैरह पहनती थी, पर शादी होने के बाद नहीं पहनी हूँ। हालांकि जब वीडियो शुरू की थी ना तो एक सूट मैंने खरीदी थी, पहले एक वीडियो में आपने देखा होगा शुरू के वीडियो में कि मैं एक सूट पहनी हूँ वीडियो में, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, क्योंकि आप जो लगातार पहनते हैं ना उसी का आप आदि बन जाते हैं। जैसे कि मैं, मुझे साड़ियाँ पसंद है और साड़ियाँ पहनने रेगुलर आप पहनो तो फिर बीच में अजीब सा लगता है कुछ चेंजिंग लाने में, तो इसलिए मैं सूट वगैरह तो पहनती नहीं हूँ, इसलिए सूट को अलग करके रख दी हूँ और साड़ियाँ ही पहन रही हूँ। क्योंकि जानते हैं कभी कभी मतलब जब शादी हुई थी ना हमारी तो उसके बाद से ना सूट नहीं पहनती थी, क्योंकि हमारे यहाँ सूट और नाइटी या फिर और कुछ नहीं पहना जाता था। जानते हैं कि देहात में कैसा होता है, सभी को पता होगा कि गांव तरफ किस तरह से लोग रहते, लेकिन अब तो बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना तो यहाँ तक घूंघट रखना पड़ता था, वो भी साड़ी में, तो बहुत दिन तक साड़ी यूज़ करते करते ना इसके बाद आपको कभी कुछ बदलना होना तो हाल ही मतलब जल्दी बदलाता नहीं है, धीरे धीरे ही बदलती हूँ मैं, क्योंकि जल्दी मतलब एक बैग जो कहा जाता ना कि तुरंत बदल जाओ, वैसे गुण मुझ में है ही नहीं है, नहीं है कि तुरंत बदलना, इसलिए मुझे आदत है साड़ियों में काम करने का। मैं अच्छी तरह से साड़ियों में पहनती हूँ भी और उसी साड़ी में मैं सारे काम भी करती हूँ, तो मैं साड़ियों में अच्छे से काम वगैरह कर लेती हूँ और अच्छा रहता है। और कभी भविष्य में ऐसा लगे कि सूट पहनूंगी तो वो भी पहनूंगी, लेकिन वैसे मेरा रोक टोक है नहीं, जब पहले नहीं लोग पहनते थे तब मैं रेगुलर साड़ी पहनती थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि साड़ी ही पहनो, वो सूट पहनने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं, लेकिन मैं ही मुझे ना अंदर नहीं पहनने का मन करता है उतनी, जैसे कि पहनूंगी जब मन करेगा तब पहनी भी थी या पहनूंगी भी, लेकिन आप समझ सकते हैं रेगुलर जो यूज करते हैं और तुरंत बदलाव अच्छा नहीं रहता, तो वक्त के साथ बदलना तो होता ही है, बदलूंगी भी धीरे धीरे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ और साड़ी ही मुझे पसंद है। तो चलिए आज की वीडियो बस, कुछ खास तो नहीं था, यही था, लेकिन चलिए आज की वीडियो बस यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और बस, और बच्चे अभी घर पे नहीं हैं, स्कूल चले गए हैं और जा रही हूँ खाना बनाना है दोपहर का मुझे, और क्या कहते हैं, और हस्बैंड अभी काम पर गए हैं, तो बाय बाय फ्रेंड्स।